Ne konuda bir kredi sahibi soğuk. Çünkü benim gibi. Bundan sonra bu اسلام علیکم پیارے دوستو میں آپ کا دوست ساتھ ابدار تسی میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صحیح بار شو تنہوں اپنے میل دی تھوڑی ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں جی اپنا کتا جی چوتھے نمبر تے پلیس ہے بغیر ٹریننگ تو पहले दोनों कुत्ते बहुत तकड़े दोनों इंपोर्टेड एक बी ए सेवन है जी बहुत अच्छे मेल है सारे दूसरा मैं ये कहूँगा कि चंद कुत्तों में डेवलपमेंट की जरूरत है वेट की जरूरत है ये हमारा चार्ली है 102 ये लास्ट की है जब मैंने देखा था ये देखो जब ये जूनियर सीजर शायद बना था तो बहुत चारे कुत्ते आलीशान कुत्ता था ये बच्चा इसकी डेवलपमेंट में मेरा ख्याल है और मसल्स और वेट और जनरल डेवलपमेंट की जरूरत है और ये जो है जरूरत है क्या देखी थी आज क्योंकि ज्यादा तादाद है ज्यादा बेहतर कुत्ते हैं उसको मैं ये जरूर कहूँगा कि इसके ऊपर निगरानी दिया जाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए और इसको हम लूज नहीं करना चाहते पहले नंबर पे सीगर पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन की क्रेवनी मायोस्टोसो इसमें से मैं ये कहूँगा कि ये कंस्ट्रक्शन वाइज करेक्ट है कोई कहेंगे कि जी से बड़ा होना चाहिए था स्लो स्पीड पे फास्ट स्पीड पे और इसकी प्रोडक्शन जो है वो तो मेरा ख्याल है यहाँ पाकिस्तान में सब जो मैंने आज बच्चे देखे इस्लामाबाद में बच्चे देखे एक मैं तो इसको खराज तहसीन पेश करूँगा आज का विनर सीगर नंबर टू पे पहले हमारा यूथ सीगर भी रहा है गया गया भी जबरदस्त है बीच में इसकी आईजीपी भी करके आया है इसने कोरूम भी मेरे नीचे किया था ये पिगमेंटेशन है मैस्कुलिन है शायद आमनी के लिए थोड़ा जरा गर्दन लंबी होती थोड़ी जरा प्रोपोर्शन आमनी बेहतर होती इसके प्रोपोर्शन हाइट टू लेंथ सही है टॉप ऑफ द साइज है हो गया दूसरे नंबर पे कुत्ता बहुत अच्छा इसकी हाइंड रेगुलेशन परफेक्ट है इसकी अंडरलाइन परफेक्ट है और बीच में जो भी एक थोड़ी सी नेक आई थी टॉप लाइन में वो भी खत्म हो गई है मुबारक हो एक्सेलेंट ब्रीड एक इम्पोर्टेड कुत्ता था लास्ट ईयर जिसको हादसा हुआ था रिंग पे और वो घबरा गया था उसको मुबारक हो कि ये इसको रिस्टोर कर सके इसकी दिलचस्पी है और भी बढ़नी चाहिए दिलचस्पी की और भी पावर से चले कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरत है इसका हेड खूबसूरत है इसकी नेक लाइन इसकी विद प्लेसमेंट टॉप लाइन रूफ थोड़ी शॉर्ट है इसकी फोचेस डेवलपमेंट अपर आर्म अंडरलाइन और हैंड एंगुलेशन बहुत ही अच्छी है ये भी एक एसेट है हमारे लिए ब्रीडिंग का मुबारक हो एक्सेलेंट थ्री एक्सेलेंट फोर पे ये भी एक बहुत ही आलीशान कुत्ता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसका मैस्कुलिन हेड है टॉप लाइन बहुत अच्छी है इसकी एंगुलेशन करेक्ट है फ्रंट एंड रियर सामने की लाइंस करेक्ट है अंडरलाइन करेक्ट है मूवमेंट बहुत अच्छी है और भी पावरफुल हो सकती है और थोड़ा अपने आप को इवनली कैरी करे और भी बेहतर हो सकता है मुबारक हुआ 109 पे एक यंग कुत्ता है नेरोगाटास का बेटा है बहुत ही अच्छे प्रोपोर्शन है ये है आपको रियल मीडियम साइज डॉग रियल मीडियम बिल्ड मस्कुलिन है
टॉप लाइन एंगुलेशन अच्छे और बड़ी अच्छी कंडीशन में। बाकी के सारे कुत्ते बहुत ही अच्छे थे, तो सबको मैं बहुत एक्सलेंट दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच, शेयर करो, लाइक करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर थैंक्स टू वर्ड हमारे मोहम्मद भरा ने ज्यादा दिया जी, डॉक्टर आसिम साहब को अल्लाह हाफिज जी दूंगा, तो साडा चौथे नंबर पे लग गया जी, एज ऑलवेज इतनी की ट्रेनिंग थी उस हमें बहुत अच्छा लगा जी, मैं रोज आसिम साहब की बहुत तैयारी करावांगा जी, अल्लाह हाफिज।